30 daily English sentences. Do subscribe this channel for more videos like this. इस काम को करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पे सेंटेंस पूछ रहा है क्या कि इस काम means this work. अब करने को कितना समय लगेगा which means how. How long? ठीक है, और बात कर रहा है टाइम की. तो सेंटेंस इज हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू दिस वर्क. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू दिस वर्क मीन्स इस काम को करने में कितना समय लगेगा. क्या आपने अपना काम कर लिया? क्या आपने अपना काम कर लिया है? Have you done your work? अब यहां पे सेंटेंस बात कर रहा है कि आपने अपना काम कर लिया है, विच मीन्स ये बात कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट की. तो जब भी बात आती है प्रेजेंट और परफेक्ट की तो वहां पे यूज करते हैं हैज और हैव. तो सेंटेंस में क्या पूछ रहा है कि क्या आपने अपना काम कर लिया है? क्या आपने, हैव यू डन, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म, हैव यू डन योर वर्क. तुम्हारा वजन कितना है? वजन मीन्स यहां पे वे, ठीक है. नॉर्मली इसको वेट भी कहते हैं ना, बट बोलने में क्या आता है प्रोनंसिएशन के अंदर वे. तुम्हारा वजन कितना है? हाउ मच यू वे, हाउ मच यू वे. आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? चाहते के लिए यहां पे क्या यूज होता है? वॉन्ट. वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी. क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? आर यू वेटिंग फॉर समवन? वेट होता है इंतजार. अब कर रहे हैं विच मीन्स यहां पे आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कर रहे हैं जहां भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की. जैसे मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, है ना. सो वहां पे आई एन जी आएगा, तो वेट क्या होता है? इंतजार. तो आगे आ जाएगा आई एन जी विच मीन्स वेटिंग. तो क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? आर यू वेटिंग फॉर समवन. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अब देखिए यहां पे मॉडल आया सकता. सकता मींस कैन. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? क्या मींस व्हाट. सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट कैन आई डू फॉर यू. क्या आपको कुछ मदद चाहिए? क्या आपको कुछ मदद चाहिए? डू यू वॉन्ट सम हेल्प. अब चाहिए विच मीन्स वॉन्ट, ठीक है, क्योंकि वो बात कर रहा है कि किसी कोई मदद चाहता हो, है ना, या फिर आपको कोई मदद चाहिए क्या. सो डू यू नीड सम हेल्प, हम ये भी कह सकते हैं. डू यू वॉन्ट सम हेल्प, हम ये भी कह सकते हैं. क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? अब फिर अगेन मॉडल आया, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? कैन. क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? कैन यू वेट अ वाइल. अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या है? वाइल. अब हो सकता है कि वो बात एक मिनट की कर रहा हो, 5 मिनट की कर रहा हो, 10 मिनट की, या 30 सेकंड की, वो डिपेंड करता है. बट वो क्या कह रहा है कि आप थोड़ी देर. अब थोड़ी देर के इतना बोलेंगे कि लेस टाइम या फ्यू मिनट्स, हाँ बोल सकते हैं, बट लेस टाइम तो नहीं आएगा ना. तो क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? कैन यू वेट अ वाइल. यह किसका टेलीफोन नंबर है? किसका. अब किसका मींस कि मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. यह किसका टेलीफोन नंबर है? तो यहां पे आएगा हूज. हूज टेलीफोन नंबर इज दिस. Whose telephone number is this? मैं यहां क्या कर रहा हूं? अब क्या कर रहा हूं? कर रहा हूं means ing आएगा, क्योंकि present continuous है. मैं यहां क्या कर रहा हूं means what. So what के साथ क्या आएगा? What I am doing here. What I am doing here. आपने ऐसा क्यों किया? अब क्यों means why. आपने ऐसा क्यों किया? Why did you do this? अब क्यों किया, अगर करते हैं तो ताते थी विच मीन्स डू, बट यहां पे आपने किया मीन्स इस काम को ऐसा आपने क्यों किया. सो वाई डिड यू डू दिस. तो डू की सेकंड फॉर्म यहां पे क्या आई? डिड. तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? कौन सी मीन्स विच, ठीक है. तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, साथ में क्या है? आई एन जी, क्योंकि बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की. सो विच बुक यू आर रीडिंग. तुम हमारे यहां कब आ रहे हो? तुम हमारे यहां कब आ रहे हो? कब मीन्स वेन. तुम हमारे यहां कब आ रहे हो? सो वेन आर यू कमिंग टू अस. वेन आर यू कमिंग टू अस. अब आ रहे हो तो यहां पे अगेन क्या आएगा? आई एन जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की. सो वेन आर यू कमिंग टू अस. क्या तुम आ रहे हो? अब क्या आ गया? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग, ठीक है, सिंपल है. बोलते ना आर यू कमिंग, आर यू गोइंग. तो यहाँ पे क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग. तो बात सिंपल सी है कि अगर हम बात करते हैं ना कि कोई काम हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आना है.
तो फर्स्ट फॉर्म क्या है यहां पे, आने के लिए कम, तो आगे क्या बन गया, कमिंग। सो आर यू कमिंग। अब आप कहां मिलेंगे, अब आप कहां मिलेंगे, मिलेंगे के लिए क्या होता है, मीट, ठीक है। अब आप कहां, कहां मीन्स वेयर, सो वेयर विल यू मीट नाउ। अब जहां पे आता है ना गा गे गी, वो बात कर रहा है फ्यूचर की, हम कहां मिलेंगे, तुम कब जाओगे, तुम कब खाना खाओगे, तुम मेरा ये काम कब करोगे, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, गा गे गी। तो यहाँ पे प्रयोग होगा विल का यूज, ठीक है। तो अब आप कहां मिलेंगे, सो वेयर विल यू मीट नाउ, तो अब के लिए यहाँ पे क्या आया, नाउ। आप हमसे कहां मिलेंगे, अब जगह की बात कर रहा है, हमसे कहां, कहां मीन्स वेयर और हमसे मीन्स अस, ठीक है, अस। तो वेयर विल यू फाइंड अस, आप हमें कहां मिलेंगे, वेयर विल यू फाइंड अस। अब आपकी माँ का क्या हाल है, अब मदर, आपकी मदर मीन्स योर मदर, अब हाल का मतलब क्या है, हाउ, क्या हाल है, मीन्स हाउ। सो हाउ इज योर मदर नाउ, आपकी मदर कैसी है, ठीक है, आपकी मदर कैसी है, हाउ इज योर मदर नाउ। तुम वापिस कैसे आए, कैसे मीन्स हाउ, ठीक है, हाउ हैव यू केम बैक, ठीक है। अब आए, अब आता हूं तो कम आ गया, तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या आया, केम। तुम वापिस कैसे आए, हाउ हैव यू केम बैक। रात के भोजन में क्या क्या है, हम बात कर रहे हैं क्या कि रात के भोजन में क्या क्या है, सो व्हाट्स द मेन्यू फॉर द डिनर। अब यहां पे क्या क्या है, तो ये नहीं आएगा कि व्हाट व्हाट, ठीक है, पहले बता दूं आपको क्या क्या का मतलब यहां पे क्या है, इट साउंड्स लाइक कि क्या क्या चीजें हैं खाने के लिए भाई, सो व्हाट इज द मेन्यू फॉर द डिनर, तो यहां पे यूज किया कॉन्ट्रेक्शन, सो व्हाट इज कीजिए या व्हाट्स कीजिए, तो बोलने में क्या बोलते हैं, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर। क्या साहेब अंदर हैं, क्या साहेब अंदर हैं, इज द बॉस इन, इज द बॉस इन। अब यहां पे बात समझिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि साहेब अंदर हैं, द बॉस इज इन, साहेब अंदर है विच मीन्स द बॉस इज इन, तो क्या साहेब अंदर है, तो इज पहले आ जाएगा, तो क्या बनेगा, इज द बॉस इन। यहां सबसे अच्छा होटल कौन सा है, विच, ठीक है, विच होटल, विच इज द बेस्ट होटल हियर, यहां पे बेस्ट होटल कौन सा है, विच इज द बेस्ट होटल हियर, तो यहां का मतलब यहां पे क्या आया, हियर। तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, एक तो होता है लीव, अब तुमने पढ़ाई छोड़ दिया तो यहां पे आएगा ड्रॉप, ठीक है, या फिर मैंने किसी को अपनी गाड़ी से रास्ते में छोड़ दिया तब भी क्या आएगा, ड्रॉप, ठीक है। तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडी, अब क्योंकि कन्फर्म है ना कि तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, विच मीन्स वो मुझसे कोई पूछ रहा है कि तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, विच मीन्स कि मैं छोड़ चुका हूं, तो वहां पे क्या आया, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो जहां परफेक्ट है तो मैंने आपको बताया था कि हैज और हैव का आएगा, तो सब्जेक्ट जहां पे आता है आई वी यू दे तो वहां पे आएगा हैव, और ही शी इट आएगा तो वहां पे क्या बनेगा, हैज, बट मैं तुमने बोल रहा हूं विच मीन्स मैं यू बात कर रहा हूं, तो यू के साथ क्या आएगा, हैव। सो क्वेश्चन क्या है कि तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, तो क्यों के लिए क्या आया, वाई, सो वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडी, Why have you dropped your study? क्या आप मेरी मदद करेंगे, अब फिर गागेगी फ्यूचर, तो मैंने बताया था क्या आएगा, विल, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर। आपको किसने भेजा है, किसने, किसने मींस who sent you, who sent you। अब अगर यहां पे आता है send first form, तो आप वो क्या आता कि तुम्हें कौन भेजता है, ठीक है, भेजता ता, ठीक है, मींस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सेंड की सेकंड फॉर्म यहां पे क्या हुई, सेंट, तो आपको किसने भेजा है, मींस वो किसने भेज दिया है ना, तो सेकंड फॉर्म आ गई, तो हु सेंट यू। आपको किससे मिलना है, अब किससे मिलना है, विच मींस मिलने के लिए क्या आएगा, मीट, और किससे मींस हुम, टू हुम डू यू वॉन्ट टू मीट, विच मींस कि तुम किससे मिलना चाहते हो। अगर हम बात करते हैं क्या कि आपको किससे मिलना है या आप किससे मिलना चाहते हैं, which makes the same sense, तो क्या बनेगा, to whom do you want to meet। क्या तुम उसे जानते हो, अब जानने के लिए क्या होता है, no, अब तातेती आ गया, तो क्या तुम उसको जानते हो, so do you know him, do you know him। आप किससे मिलना चाहते हैं, अब अगेन चाहते means यहां पे want, आप किससे मिलना चाहते हैं, who do you want to meet, who do you want to मीट। आप यहां कब से हैं, आप यहां, यहां मींस हेयर और यू आप, है ना, आप यहां कब से हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, आप यहां कब से हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर।
लॉन्ग हैव मतलब हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि कितने समय से हैं, है ना, आप यहाँ कब से हैं या फिर आप यहाँ कितने समय से हैं या फिर आप कितने टाइम से हैं, ये सब के सेंस एक ही निकल के आती है। तो आप यहाँ कितने समय से हैं, सो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर। आप क्यों तकलीफ करते हैं, अब तकलीफ मीन्स ट्रबल, सो आप क्यों तकलीफ करते हैं, वाई डू यू ट्रबल यूर सेल्फ, विच मीन्स कि आप अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हैं, भाई मैं अपने आप से काम कर लूंगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं, सो वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। यह सड़क बंद क्यों है, अब क्यों है विच मीन्स वाई, यह सड़क बंद क्यों है, सो वाई इज दिस रोड क्लोज्ड, वाई इज दिस रोड क्लोज्ड। सो उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंसेस जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये आपको पसंद आ रहे होंगे, तो पसंद अगर आ रहे हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए, ताकि रोज आपके पास नए सेंटेंस पहुँचते रहे। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।